अरे तुम अंदर तो जाओगे क्या? अरे पागल हो क्या? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम जाओ तो मैं चली जाऊंगी। अरे पागल लड़की, मैं जाती हूँ नहीं तो सब दिख जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा चाहिए ना अपने को कंटेंट चाहिए ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मैं अभी जा रही हूँ एयरपोर्ट। मैं अभी आ गई हूँ कॉफ़ी शॉप में, एयरपोर्ट के अंदर हूँ। सिर्फ पर कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ घूमो वहीं चॉकलेट्स दिख रहे हैं। वो तो तीनों में भी फिनाले हाँ, नहीं करती है। सो गाइस, मैं अभी पहुंच चुकी हूँ उदयपुर। एयरपोर्ट से निकलते साथ साथ मैंने ले ली चाय, बिकॉज चाय पीने का बड़ा मन था। मॉर्निंग में चाय नहीं पी, और कार भी हमारी आ चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं सीधा अंदर। वहाँ से अच्छा वहाँ से फ्रेंड्स मिल जाते ना, फिर याद ही नहीं रहता कि वीडियो शूट करना है। थैंक यू। पता है आपको तो अब हम निकल रहे हैं सीधा होटल के लिए। हम आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे तुम्हारे शॉप में। तुम जल्दी से शॉप डालो। यहाँ ना बिजनेस की बात चल रही है, मतलब इवेंट के अलावा भी कोई भी बिजनेस होनी चाहिए लाइफ में, है ना। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ बिजनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है, तो परमानेंट कुछ तो चाहिए ना। जब बताओ सुनो, जब तक जवानी है तब तक चलेगा। हाँ ये फैक्ट है, जब तक मतलब खूबसूरती है तब तक चलेगा, जब आपका खूबसूरती बुढ़ापे में ढलने लग जाएगा तब तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसके लिए लोग सेट करते हैं, तो इसलिए अभी से हम प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसके अलावा। रिटायरमेंट प्लान कर। अभी हम होटल पहुँच के सीधा दिखाएंगे कि किस होटल में, पैलेस सॉरी, उदयपुर हो ना तो पैलेस, किस पैलेस में जा रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ ये पैलेस का। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि पैलेस किस तरह का क्या है और हमारा रूम कैसा है। मैं पहुँच चुकी हूँ अभी होटल। होटल देख के तो सच कहूँ मज़ा नहीं आया, दिमाग आउट हो चुका है हम सबका। लेकिन हमें कहा गया कि वेडिंग की वजह से सारे होटल जो है 5-स्टार प्रॉपर्टी फुल जा रहा है। अब मैं जाके सीधा चेक करने वाली हूँ कि रूम कैसा है, नहीं तो सही में दिमाग जो है ना ख़राब हो जाएगा। आई ऑलवेज प्रिफर टू स्टे गुड होटल। अभी हम जा रहे हैं सीधा रूम देखने सब कुछ। मज़ा नहीं आया रूम देख के। क्या करें, 9 बजे के यही रुकेंगे हम, और ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। बोल रहा है कुछ भी घुमाते रहेंगे और ऐसी बकवास वाला ही देंगे कुछ भी। ये तो फिर भी साफ सुथरा होता है। अच्छा कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं आराम से। ठीक है चलो, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अभी कुछ कर नहीं सकते हम, प्लान हाउस में। एक तो है ना वेन्यू बहुत बार चेंज हुआ है। अच्छा अपना वेन्यू ये वाला। जैसे कि मैंने कहा कि रूम देख के मज़ा नहीं आया, इस तरह के रूम में कभी आके रही नहीं, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेडिंग हो रही है तो उस वजह से होटल अवेलेबल नहीं है ये कहा गया। नहीं तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते इवेंट वाले, क्योंकि उनको पता है कि हम किस तरह के रूम में रहते हैं। सो मैं और मेरी जो फ्रेंड सिमरन, हम लोग दोनों रूम शेयर करने वाले। सोचे थे पहले कि अलग अलग रूम लें, लेकिन बोर हो जाएंगे तो इसलिए हम एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पेट पूजा, बहुत भूख लगी। तो हमने दूसरा रूम भी देख लिया है, एक नॉर्मल रूम है और एक स्वीट रूम है। ये ले लीजिए, तुम्हारा बैग बता दो और हाँ। नंबर भी बता दो। आगे सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं अभी
क्या खाऊंगी मैं, इडली भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मसाला ऑमलेट चाहिए। अच्छा खाओ खाओ। हाँ तुम डाइट पे जाओ। मैंने ये लिया है इडली उपमा, पहले खा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करके आ गए, अभी हम जाके रेस्ट करने वाले हैं। मैं और सिमरन, जैसे कि कहा था कि हम दोनों रूम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे से उठे हुए और बहुत नींद आ रही है अभी। अभी तो सीधा हम कुंभकर्ण की तरह सोने वाले हैं और सीधा शाम को उठेंगे। उसके बाद हम फ्रेशन अप हो के सीधा रेडी होके फिर हम जाने वाले इवेंट में। तो वैसे यहाँ दिखाने लायक कुछ है नहीं, फिर भी ट्राई करती हूँ। ट्राई क्या करूँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बैड लक। सीधा हम मिलेंगे शाम को। मैं उठ गई, सोने की कोशिश की थी बट उतना अच्छा नींद नहीं है, क्योंकि जो रात का जो नींद है वो डे में कोशिश करो पूरा करने की तो हो नहीं सकता। तो उठने के बाद मैं लंच की, वो ज़्यादा वीडियो लूँगी लेकिन मैं भूल ही गई गप्पे मारने के चक्कर में कि मुझे शूट भी करना है। तो अभी बज रहे हैं 5, तो 5:30 तक मैं मंगवा लूँगी चाय। चाय पीने के बाद प्लान है कि 7 बजे मैं रेडी होने बैठ जाऊँ मेकअप वगैरह करने के लिए, क्योंकि 9:30 हमको पहुँचना है वेन्यू में जहाँ हमारा इवेंट है। चलिए आगे आगे देखते रहिए आप लोग। थोड़ा सा बाहर जाओ, बाहर जो है ना अलग ही नज़ारा है। चलिए देखते हैं बाहर। ये रहा हमारा छोटा सा टेरेस। सच बोलूँ मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का होटल में रह रही हूँ। ये 3-स्टार होटल है, मतलब मन तो कर रहा है कि भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन क्या करें अभी। तो अभी चाय पी ली, अभी शावर और लूँगी, लेने के बाद मेकअप करने बैठूंगी। चलते से। अरे शावर में बताओ ना मेरे साथ। हम आ रहे शावर में, आ रहे चलो। अरे तुम अंदर तक आओगे क्या? अरे पागल हो क्या? छोड़ो मुझे जाने दो। तुम जाओ तो मैं चली जाऊंगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। अरे पागल लड़की, मैं जाती हूँ नहीं तो सब दिख जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा चाहिए ना अपने को, कंटेंट चाहिए ना। नहीं नहीं ये कंटेंट मैं नहीं दे सकती हूँ, माफ करो मुझे, माफ करो। चलो बाय बाय, मिलते सीधा शावर लेके। तो गाइस मुझे पहले तो लैश लगाने नहीं आते, तो सिमरन ने पहले मुझे लैश लगा के दी। लाइनर है वो भी मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही, तो वो भी वो कर दी। अब मैं हो गई हूँ रेडी मेकअप के साथ, अभी मैं पीऊंगी ग्रीन टी। सिमरन मेरे लिए ग्रीन टी बना रहे, मतलब हम दोनों के लिए बना रहे हैं। ये लो। हाँ कहाँ रखना है? अच्छा ग्रीन टी। अच्छा ओह माय गॉड थैंक यू। आओ गरम है ठंडे। मैं अभी वेन्यू में पहुंच गई हूँ, ये है महेंद्र क्लब, यहाँ पर हो रही है संगीत और जहाँ हमें करना है परफॉर्म। मेरा फाइनल लुक। और एक चीज़, मैं आज फर्स्ट टाइम ये वाला नोज पिन पहनी जो मुझे सिमरन ने दी है। उसका कहना था कि ये पहन के देखो तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे आप लोगों से जानना है क्या आप लोगों को ये वाला नोज पिन मेरे नोज पे अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि इस तरह का नोज पिन मैं पहनूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसे जल्दी से ये नोज पिन चुरा लेने वाली हूँ और मैं अपने पास रखने वाली हूँ और हर इवेंट में मैं पहनने वाली हूँ। कमेंट करके बोलना मत भूलिएगा। तो अभी मेरा एंट्री है तो मैं वहां जा रही हूँ। फाइनली मेरा इवेंट ख़त्म हो गया है, अभी बज रहे हैं 2:30 रात के। तो अभी हम निकल रहे हैं, सीधा होटल जा रहे हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे हमको निकलना है एयरपोर्ट के लिए। मिलते सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो टिल देन बाय।